हेलो गाइस, दिस इज़ दीपक एंड वॉचिंग नाउ बी परफेक्ट चैलेंज। तो गाइस, मैं फाइनली अपने गेमिंग हेडसेट की अनबॉक्सिंग की वीडियो लेकर आ चुका हूँ। वेल गाइस, मेरे पास है अभी कॉस्मिक का ब्लेजर हेडफोन, और ये जो हेडफोन है ये जिस प्राइस पॉइंट पे आपको मिलता है, क्या ये उस प्राइस पॉइंट पे वैल्यूएबल है या नहीं, इस वीडियो के अंदर हम इस चीज़ को जानेंगे। और इसके साथ साथ जो नॉर्मल इसकी जो भी स्पेसिफिकेशन है, ओवरव्यू, मतलब आपको सब कुछ बता दूंगा, बस आप वीडियो पूरी देखते रहे। तो गाइस, अभी जो अमेजोन पर रिपब्लिक डे की जो सेल चल रही थी, तो उस दौरान मैंने इस प्रोडक्ट को मंगवाया है, और ये स्पेशली मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए मंगवाया है ताकि मैं लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह कर सकूँ, और स्पेशली मैंने इसकी माइक की वजह से इसे परचेज़ करा है, सच कहूँ तो। और ये जो अभी आप रिकॉर्डिंग वगैरह सुन रहे हैं, ये सब इसी हेडफोन से मैंने रिकॉर्डिंग करी है, तो आप समझ सकते हो कि इसकी माइक क्वालिटी एवरेजली बढ़िया है। और नॉर्मली अभी मेरे आसपास मतलब थोड़ा नॉइस हो रहा है, बट ये काफ़ी अच्छे तरीके से मतलब रिकॉर्डिंग कर रहा है। नॉर्मली आपको बैकग्राउंड का नॉइस सुनने को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा होगा। और दूसरा रीज़न इस प्रोडक्ट को बाय करने का यही था कि मैं अपनी रिकॉर्डिंग वगैरह कर लूँ, और लाइव स्ट्रीमिंग तो खैर करेंगी। तो भाई, यहाँ पे ये अनबॉक्सिंग मैंने जो मतलब डिलीवरी वाला था उसके सामने करी, क्योंकि आजकल आपको पता है कभी कभार फेक प्रोडक्ट भी आ जाते हैं, तो ऐसे में वीडियो बनानी ज़रूरी होती है। तो नॉर्मली जो इनकी पैकेजिंग की जो क्वालिटी थी यार, वो तो मतलब बढ़िया थी, इन्होंने काफ़ी अच्छे से पैक करके दिया। ओवरऑल गाइस, जो हेडफोन की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, और ये प्लास्टिक की मतलब इसकी पूरी बॉडी है, और जो प्लास्टिक है वो काफ़ी मतलब ठीक ठाक वाली क्वालिटी का है, नॉर्मल आपको चीप टाइप का नहीं लगेगा। सो गाइस, अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा नाइट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपको थोड़ा वीडियो डार्क लग सकता है, तो इसे प्लीज़ इग्नोर करना। तो इसकी स्पेसिफिकेशन से एक बार देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपको 50mm का जैक मिल जाता है, और ये कुछ क्वालिटीज़ हैं, आप इसको पॉज करके भी रीड कर सकते हो। 3.5mm का हमें यहाँ पे जैक मिल जाता है, वो भी सिंगल जैक है, यानी कि हमें किसी भी कनेक्टर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मोबाइल वगैरह में लगाने के लिए, ठीक है। एक ही जैक है, एक ही से मतलब आपका माइक भी ऑडियो सब कुछ वर्क करता है, ठीक है। एंड नॉर्मली ये जो गेमिंग हेडसेट है, इसको मतलब आप अपने पीसी, मोबाइल, एक्सबॉक्स, प्लेस्टेशन, आप यहाँ पे देख भी सकते हो, इन सभी में लगा सकते हो। तो गाइस, ये जो हेडफोन है, यहाँ पर आपको उसके दो कलर देखने को मिलेंगे, एक तो ब्लू और एक रेड। तो मुझे ब्लू ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने ये ब्लू वाला ही मंगवाया। और इस बॉक्स के अंदर नॉर्मली हमको हेडफोन मिलता है और एक यूज़र मैनुअल मिलता है, जिसे काफ़ी लोग इग्नोर कर देते हैं, बट यार मेरा फर्स्ट हेडफोन था, तो मैंने काफ़ी दिल लगा के इसे पूरा का पूरा रीड करा। तो गाइस, सब मेन चीज़ की बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो ये है हमारा परचेज इनवॉइस, और आप इसमें देख सकते हो 799 rupees मुझे पे करने पड़े इस हेडफोन के लिए, जिसमें 121 rupees GST के भी इंक्लूड हैं। तो कुल मिला के दोस्तों सिर्फ 799 rupees मुझे पे करने पड़े, जिसमें डिलीवरी चार्जेस, GST सब कुछ इंक्लूड है। तो गाइस, ये है हमारा हेडफोन, एंड नॉर्मली इसका जो माइक है आप इसे एडजस्ट कर सकते हो अप डाउन, एंड जिसका हेड थोड़ा बड़ा है तो नॉर्मली इस हेडफोन को एडजस्ट भी कर सकता है। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था ये प्लास्टिक बॉडी का पूरा हेडफोन है, एंड नॉर्मल जो उसकी प्लास्टिक की क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, और जो कुशनिंग वगैरह है वो भी ठीक ठाक है, नॉर्मल मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे यार इस प्राइस के हिसाब से, ठीक है। और जो इसकी वायर है यार, वो काफ़ी अमेजिंग है, नॉर्मल जो एक रबर टाइप की वायर होती है उससे तो काफ़ी बढ़िया वायर है इसकी, ब्रेडेड वायर है, तो नॉर्मल जल्दी ख़राब नहीं होगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया, 3.5mm का जैक मिलता है, गोल्डन कलर वाला ये जैक है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पे हमें एक एडजस्टेबल वॉल्यूम कंट्रोल और माइक कंट्रोल करने का ये एक पैनल भी मिल जाता है। तो गाइस, ये जो बटन है इससे हम अपने माइक को ऑन ऑफ कर सकते हैं, एंड बगल में हमें एक स्लाइडर बटन भी देखने को मिलता है जिससे हम वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। तो नॉर्मली जब हम पीसी में कनेक्ट होते हैं तो यार ये फीचर काफ़ी फिर हमारे लिए यूज़फुल होता है। तो गाइस, यही थी वीडियो इस हेडफोन के बारे में, एंड नॉर्मली मैं आपको बताऊँ तो यार मतलब मुझे इस प्राइस के अंदर यह हेडफोन काफ़ी बढ़िया लगा। तो गाइस, हेडफोन की बात हो रही तो जाहिर सी बात है साउंड क्वालिटी काफ़ी मैटर करती है, तो इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो मैं कह सकता हूँ कि इस प्राइस के हिसाब से काफ़ी ज़बरदस्त है। और जो बेस है इसका यार, वो भी काफ़ी अच्छा बेस है, नॉर्मल जैसा पबजी वगैरह खेलोगे जब आपके आसपास बम वगैरह फूटते हैं ना, तो जो उसका मतलब एक फील आता है बूम सा, वो काफ़ी कमाल का आता है। तो ओवरऑल गाइस, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस प्राइस के हिसाब से इसमें जो आपको साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी और जो माइक क्वालिटी मिलती है वो काफ़ी ज़बरदस्त मिलती है। और साउंड क्वालिटी यार मैं आपको ऐसे चेक नहीं करा सकता, क्योंकि वो तो जब आप इसे लगाओगे तभी आपको पता चलेगा। हाँ, माइक क्वालिटी के बारे में आपको पता चल गया होगा, क्योंकि पूरी की पूरी वीडियो मैंने इसी के ही माइक से रिकॉर्ड करी है। तो गाइस, रही बात साउंड क्वालिटी की, तो बस मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बता सकता हूँ कि इस प्राइस के हिसाब से जो इसमें बेस क्वालिटी है और साउंड की जो क्लैरिटी आती है वो काफ़ी अच्छी है। तो गाइस, इस हेडफोन को परचेज़ करने का जो मेरा मेन रीज़न था वो यही था कि मैं इसे अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ एंड नॉर्मल अपनी लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह अच्छे से कर पाऊँ। आपको ब्लूटूथ वाले भी हेडफोन देखने को मिलेंगे, बट जो इस वायर्ड वाले हेडफोन में जो क्वालिटी आपको मिलेगी वो शायद ही उनमें मिल पाए इस प्राइस के हिसाब से। तो गाइस, यही थी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो मिलूंगा अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।